बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी राजस्थान के पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस राज में किसान, गरीब, युवा बदहाल थे, आतंकी हमले होते थे। आज मजबूत सरकार है, बीजेपी राज में राजस्थान नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। कांग्रेस को गरीबों, वंचितों, युवाओं की कभी परवाह नहीं थी। कांग्रेस ऐसी है, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, एक तो परिवार वाली पार्टी दूसरा भ्रष्टाचारी। वहीं घोषणा पत्र को लेकर पीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा, घोषणा पत्र कांग्रेस को बेनकाब करता है। यह घोषणा पत्र मुस्लिम लीग घोषणा पत्र की तरह है। कांग्रेस मुस्लिम लीग घोषणा पत्र को लागू करना चाहती है। आज वामपंथी और कम्युनिस्ट भी इसका हिस्सा है। तो कांग्रेस राज में आतंकी हमले होते थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के पुष्कर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपनी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसते नजर आए। कांग्रेस के कार्यकाल का अधूरे बखान किया कि किस तरीके से आतंकी हमले होते थे, गरीब, युवा, महिलाएं सभी परेशान थे, त्रस्त थे, भ्रष्टाचारी कांग्रेस में भरे हुए हैं। हमारा ये क्षेत्र कमल से इस क्षेत्र का संबंध है और भाजपा की पहचान भी देश के कोने कोने में कमल खिलाने जा रही है। और इससे पूरा देश कह रहा है, हर माता बहने कह रही है, हर नौजवान कह रहा है, फिर एक बार 4 जून 4 जून 400 पार 4 जून 4 जून 4 जून। साथियों, देश के इतिहास में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब उस देश के नागरिकों का एक फैसला अगले सैकड़ों वर्षों का भविष्य तय करता है। 2024 का ये चुनाव ऐसा ही बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर से चुनावी शंखनाद किया। पश्चिमी यूपी पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला। पीएम मोदी ने राम राम से मंच पर पहुंचकर अपना संबोधन शुरू किया और इस दौरान कहा, दुनिया भर से देश का डंका बज रहा है। पीएम ने कहा, कांग्रेस जितने साल सत्ता में रही उसने कमीशन खाने को प्राथमिकता दी। ये विपक्षी गठबंधन भी कमीशन के लिए बना है। एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। मोदी ने कहा कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर चुनावी घोषणा नहीं बल्कि हमारा मिशन रहा। इस साल राम नवमी में हमारे प्रभु राम टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सहारनपुर में हुंकार भरी, जहां पर उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला और कहा, विपक्षी गठबंधन कमीशन के लिए बना है क्योंकि कांग्रेस सरकार में जमकर कमीशन खोरी होती थी और कमीशन खाने के लिए यह गठबंधन बना हुआ है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, परिवारवाद की पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस। आज इसमें सिर्फ परिवार के सदस्य ही रह गए हैं। कांग्रेस का बुरा हाल है, चुनाव के समय कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है। तो विपक्षी गठबंधन पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरसते हुए नजर आए और यूपी की तारीफ में उन्होंने कहा कि आज यूपी जो है माफिया मुक्त हो चुका है। यहाँ पर दंगे अपराध जो पूर्व की सरकारों में होते थे, आज उससे जनता को मुक्ति मिली है। अब यहाँ पर जंगल राज नहीं है बल्कि यहाँ पर विकास की लहर है। विकास की बात होती है, युवाओं के लिए रोजगार की बात होती है, यहाँ पर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है। हर तरह से देश आज विकास के पद पर अग्रसर है, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में बीमारू राज्य था उत्तर प्रदेश, जिसको आज विकास के पद पर योगी आदित्यनाथ ने लाने का काम किया है।
कोने में शक्ति की उपासना, ये हमारी स्वाभाविक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। हम वो देश हैं जो कभी भी शक्ति उपासना को नकारते नहीं है, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि इंडी अलायंस के लोग खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। क्या कोई शक्ति को खत्म कर सकता है? क्या शक्ति के सामर्थ्य को चुनौती दे सकता है? क्या और जिन जिन लोगों ने शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया है, उन सब का क्या हाल हुआ है, वो इतिहास में, पुराणों में अंकित है। बहनों और भाइयों, हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हम एक ऐसे भारत का दर्शन कर रहे हैं जो भारत दुनिया के अंदर वैश्विक मंच पर एक ग्लोबल लीडर के रूप में आज जाना जा रहा है, जो भारत सुरक्षित भी है, जो भारत आज अपनी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जा रहा है, जो भारत दुनिया के अंदर विकास का मॉडल क्या होना चाहिए आज भारत दुनिया को दे रहा है। और यही नहीं, गरीब कल्याण के लिए क्या कार्यक्रम होने चाहिए इसका मॉडल भी दुनिया के अंदर कोई दे रहा है तो भारत दे रहा है। बहनों और भाइयों, भारत का यह मॉडल केवल यहीं तक सीमित नहीं है। नौजवान की आजीविका हो या भारत की आस्था का सम्मान, पहले लोग हिचकते थे इन मुद्दों को टच करने के लिए, लेकिन आज कोई हिचक नहीं। जो भारत का है, भारतीयता का है, भारत के हित में है, मोदी जी के नेतृत्व में उस कार्य को करने में कोई हिचक नहीं, उसमें कोई रुकावट नहीं, कोई बैरियर नहीं। और वही बैरियर आज जब धीरे धीरे करके समाप्त हुए हैं तो एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम नए भारत का दर्शन भी कर रहे हैं, नए भारत के अंदर अपने भविष्य का निर्माण भी कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को ही बना रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जयपुर पहुंचे। इस दौरान सोनिया गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले है जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रियंका ने घोषणा पत्र को लेकर कहा कि हमारे घोषणा पत्र को लेकर हमने न्याय पत्र का नाम दिया ताकि ये साफ हो कि ये सिर्फ घोषणा पत्र की एक सूची नहीं है जिन्हें हम चुनाव के बाद भूल जाएंगे। साथ ही खड़गे ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कह रहे हैं मेरी गारंटी है, ये गारंटी तो हमारे शब्द हैं, पीएम ने इसे चुरा लिया। हमने हिमाचल में गारंटी दी, जो गारंटी हमने दी वहां पर उसे हमने लागू किया। तेलंगाना में जो हमारी गारंटी थी उसे हमने पूरा किया। आपकी कौन सी गारंटी है? आपने सिर्फ कांग्रेस की गारंटियों को चुराकर अपना नाम दिया है। तो आज सोनिया गांधी बीजेपी पर जमकर बरसती हुई नजर आई और उन पर अपनी गारंटियों को चुराने का आरोप लगाया। चारों ओर अन्याय का अंधकार पड़ा है। हम सभी का संकल्प होना चाहिए कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, न्याय की रोशनी खोजेंगे। भाइयों और बहनों, हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले हैं जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में
कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस मोदी सरकार ने जो जो किया है वह हमारे आपके सामने है। अपनी पार्टी का घोषणा पत्र आपके सामने रख रहे हैं। आपने देखा होगा कल एक सभा हुई थी दिल्ली में और ये घोषणा पत्र देश के सामने रखा गया। इसे हमने न्याय पत्र का नाम दिया है ताकि ये स्पष्ट हो कि ये एक सिर्फ घोषणाओं का की एक सूची नहीं है जिन्हें हम चुनाव के बाद भूल जाएंगे। ये एक संघर्ष की आवाज है, इस देश की आवाज है जो आज न्याय मांग रही है। और इसका मतलब क्या है, देखिए आज की परिस्थितियां क्या है, आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं। बेरोजगारी चरम पे है, 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की घोषणाएं रहेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने ये घोषणा पत्र 2024 के लिए बनाया है या 2029 के लिए या फिर 2034 के लिए, इसकी जानकारी नहीं है। ऐसा घोषणा पत्र वो पहले भी निकाल चुके हैं, उसका बस चले तो ये भी लिख दें कि हम आएंगे तो देश में सब कुछ मुफ्त हो जाएगा, क्योंकि सोनिया गांधी का एक ही सपना है किसी तरह से राहुल गांधी को सांसद बना दे। पिछली बार तो वो सांसद बन गए थे लेकिन इस बार ये भी नहीं बन पाएंगे। तो मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस पर ये बड़ा आरोप लगाया है। पीलीभीत में जतिन जी के पक्ष में हम पिछले दो दिन से लगे थे और 9 तारीख को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 10 साल में पहली बार इस जगह पे आएंगे। सिखों में बहुत उत्साह है, हमारी कम्युनिटी के लोग चाहते हैं कि मोदी जी की उस सभा में पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग वहां जाके जकारों के रूप में मोदी जी का स्वागत करें। उसके लिए आज हमने एक बैठक की। हमारा पर्पस है कि इस इलाके के अंदर ये जतिन जी की लोकसभा के साथ साथ पीलीभीत की लोकसभा के साथ साथ आसपास की लोकसभाओं में हमारी सिख कम्युनिटी जो है एक तरफा वोट जो है बीजेपी को डाले, उसके लिए हम सब लोगों ने बैठकर आज बैठक की और चर्चा की और आगे की रणनीति बनाई। आज पीलीभीत में बीजेपी अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है। जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर रंग बिरंगी रोशनी की गई। कार्यालय में राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने पार्टी का झंडा फहराया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखने को मिला। सीएम भजन लाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और कहा फिर एक बार मोदी सरकार के नारे को एक बार फिर से उन्होंने दोहराया और कहा देश भर के 10 लाख से ज्यादा बूथों पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माननीय घनश्याम जी भाई साहब ने बहुत ही विस्तार से आपको पार्टी की स्थापना के बारे में बताया। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं, इस देश की आजादी के बाद राजनीतिक दल एक सबसे बड़े दल के रूप में, जो आजादी से पहले जिस कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे देश ने लड़ाई लड़ी थी, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस कांग्रेस को आजादी दिलाने तक स्थापना हुई इसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने उसको खत्म नहीं किया और उसके नाम का लाभ लेने के लिए ये कांग्रेस पार्टी आगे चली। और आपने देखा हो अंतरिम सरकार बनी थी, उस अंतरिम सरकार में ही दो धाराएं बन गई और वो धाराएं इसलिए बन गई कि एक वो लोग थे जिन्होंने अपने आप को सर्वोच्च नौछावर करते हुए देश को आजादी दिलाने का काम किया, एक वो लोग थे जो निस्वार्थ भाव से एक एक दिन दो दो तीन दिन पीढ़ियां उनकी इस आजादी की लड़ाई में खप गई, लेकिन जब देखा देश की आजादी के बाद देश की दिशा ठीक नहीं है। देहरादून में मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर झंडा फहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारे लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा दिन है, आज के दिन बीजेपी की स्थापना हुई थी। हमारे लोगों के लिए, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज ही के दिन 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। आज एक दो सांसदों से शुरू होकर
आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव हमको प्राप्त है। आज दुनिया का सबसे बड़ा नेतृत्व भी हमारे पास है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश दुनिया का सिरमौर बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज उनका विस्तार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, बूथ अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख तक हैं। और सब लोग ऐसे समय में आए, स्थापना दिवस आया है जब हम लोकतंत्र के महापर्व में भी हैं। हमारे कार्यकर्ता, हम सब लोग ये संकल्प लेते हैं कि इस बार तीसरी बार ऐतिहासिक मतों से हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। उत्तराखंड में 5 की 5 लोकसभा सीटें भारी बहुमत से जीतेंगे। खबर गुवाहाटी से है, जहां पर बीजेपी स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। मौके पर गुवाहाटी ध्वजारोहण किया गया। लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बिजुली कलिता मेधी की उपस्थिति में यहां पर ध्वजारोहण किया गया। साथ ही कई और राज्यों में धूमधाम से बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की कई योजनाओं को राष्ट्रीय घोषणा पत्र में जगह मिली है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे स्कीमों के कारण राजस्थान देश का हर राज्य में चर्चा में आया है। हमने कई क्रांतिकारी फैसले लिए थे। उन्होंने इस बार के घोषणा पत्र को शानदार बताया और कहा कि ये जनता का घोषणा पत्र है। मैनिफेस्टो लॉन्चिंग जयपुर में भी रखा गया है, इस बात की हमें बहुत प्रसन्नता है। और कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब भी और हमारे नेता सोनिया जी भी आ रही हैं, प्रियंका जी भी आ रही हैं। तो ये एक हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि सोनिया गांधी जी जब से मेंबर पार्लियामेंट बनी राज्यसभा की राजस्थान से, उसके बाद में पहली बार आप यहाँ पधारेंगी, तो हमारे लिए तो एक बहुत ही खुशी की बात है। सब लोग उसको वेलकम कर रहे हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 12 में खड़ी 4 गाड़ियों में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण गाड़ियों में आग लगी होगी। एक साथ 4 गाड़ियों में अचानक से आग लग गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और किसी असामाजिक गतिविधि की भी पुलिस आशंका जता रही है। हो सकता है किसी शरारती तत्व ने जानबूझकर गाड़ियों में आग लगाई। इस एंगल से भी पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बागपत में चुनावी जनसभा की। एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में माहौल तैयार किया। हमारे संवाददाता सुनील अग्रवाल ने जनता के मन में क्या है ये जानने की कोशिश की। ये रिपोर्ट देखिए। देश में 24वीं लोकसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने जो प्रत्याशी रूपी मोहरे मैदान पर उतार दिए हैं। तमाम अपनी जो शतरंजी चाल, राजनीतिक शतरंज है, वो चल रहे हैं। इसी क्रम के चलते बागपत लोकसभा क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक सभा को संबोधित करने वाले हैं, जिस सभा को एनडीए के उम्मीदवार के डॉक्टर राजकुमार सांगवान के पक्ष में इस रैली का शुभारंभ करेंगे, इस रैली को संबोधन करेंगे। एनडीए द्वारा इस रैली को विजय संघनाथ रैली का नाम दिया गया है। एनडीए का संयुक्त प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवानी के पक्ष में जो रैली हो रही है आपको दिखा सकते हैं। ठीक मेरे पीछे मैं कैमरामैन को कहूँगा, दिखाएंगे किस प्रकार यहाँ पर लोग आने शुरू हुए हैं। दोनों दलों के लोग यहाँ पर हैं और आम जनता भी है। मैं कैमरामैन कहूँगा मेरे पीछे जो स्टेज सजा हुआ है, इस प्रकार देखें स्टेज सजाने की तैयारी की जा रही है। स्टेज पर तैयारी पूर्ण की गई है। कह सकते हैं कि जनपद भागपत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आगवानी को के लिए तैयार है। जिस प्रकार से रालोद मुखिया जयंत चौधरी और योगी आदित्यनाथ की संयुक्त रैली हो रही है, वो अपने आप में एक बड़ा संदेश देने वाली है। जिस प्रकार से बागपत लोकसभा क्षेत्र की बात करें, समाजवादी पार्टी द्वारा काफ़ी जहदोजहद के बाद अपना प्रत्याशी बदला गया है। समाजवादी पार्टी द्वारा ब्राह्मण कार्ड खेलकर इस चुनावी संघर्ष को रोचक बना दिया गया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी द्वारा गुजर कांड खेला गया है। प्रवीण बैसला को यहाँ से अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है। तमाम दलों के अब अपने दावे हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं वो क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या चाहते हैं। भैया नाम बताएंगे अपना, थोड़ा जोर से बोलिए। सिंगल साहब, आपको पता है आज मुख्यमंत्री बागपत में आने वाले हैं, चुनाव भी साथ बीत चुकी है, तो इस चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचते हैं आप?
यहाँ से गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सागवान जी कई लाख वोटों से जीत जो है यहाँ से दर्ज करेंगे। देखिए ये थे मोहन सिंघल जी, इनका कहना था कि यहाँ पर एनडीए का जो कैंडिडेट है लाखों वोटों से चुनाव जीतकर रिकॉर्ड कायम करेगा। इसके अलावा अन्य लोग बैठे हैं, उनसे पूछ लेते हैं, भैया आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ से। आपको पता है यहाँ पर चुनावी विषाद बीत चुके हैं और योगी आदित्यनाथ जी और जयंत चौधरी संयुक्त रैली करने वाले हैं, तो इस बारे में क्या सोचते हैं? जी अब बहुत बड़ी उत्सुकता है योगी आदित्यनाथ के लिए, बहुत बड़ा जन समूह मिलने वाला है और यहाँ डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी भारी मतों से जीते। अभी कैमरा पर्सन के साथ सुनील अग्रवाल बात कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ।